दरअसल रैपिड रेल के चलने पर अब सरकार ने हरी झंडी दे दी है और जल्द ही रैपिड रेल दिल्ली NCR और आसपास के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली NCR में लोगों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की परियोजनाओं में रैपिड रेल भी प्रमुख है। बता दें कि दिल्ली के सराय कालेखां से उत्तर प्रदेश के मेरठ, राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत के लिए रैपिड रेल चलाने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए काम शुरू भी हो गया है। सबसे अच्छी बात रैपिड रेल की ये होगी कि रैपिड रेल के शुरू हो जाने के बाद इन शहरों की यात्रा मिनटों में पूरी हो जाएगी। अभी यात्री घंटों की मशक्कत करने के बाद इस स्थानों तक पहुंच पाते हैं। बता दें कि दिल्ली NCR को रैपिड रेल से जोड़ने के लिए दिल्ली के सराय कालेखां को जंक्शन बनाए जाने की योजना है। मालूम हो कि यहीं से मेरठ, पानीपत और अलवर के लिए रैपिड रेल मिलेगी। इसको देखते हुए सराय कालेखां जंक्शन को बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अधिकारी के अनुसार ऐसा अगर होता है तो प्लेटफॉर्म को एक अलग पहचान दी जाएगी, यानी जिन प्लेटफॉर्म से यात्री रेल में सवार होंगे वे ग्रीन और जिन पर यात्री रेल से उतरेंगे उन्हें रेड या पिंक कलर दिया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सराय कालेखां जंक्शन को एलिवेटेड स्टेशन बनाया जा सकता है। जी हाँ, और बता दें कि इस एलिवेटेड स्टेशन बनाने में लागत में कमी आएगी, जबकि अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने से लागत बढ़ सकती है, इसलिए भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। एक और कारण इस स्टेशन को एलिवेटेड स्टेशन बनाने का है वो ये है कि अगर ये एलिवेटेड स्टेशन बन जाता है तो इसके कारण इसको अंतर्राज्यीय बस अड्डा, लोकल बस अड्डा और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को फुटओवर ब्रिज से आसानी से जोड़ा जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली मेरठ के बीच बनने वाली रैपिड रेल का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसको अभी तक फाइनल मंजूरी नहीं मिल पाई है। दरअसल अभी तक दिल्ली सरकार ने भी इस रैपिड रेल सेवा को मंजूरी नहीं दी है। बता दें कि इस रैपिड रेल का निर्माण होने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी करीब 40 मिनट में तय हो जाएगी। अभी दिल्ली से मेरठ जाने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है, यानी कि यात्रियों का समय भी बचेगा और सुविधाएं जो मिलेंगी वो अलग